Good afternoon friends! Welcome to An Academy Gate M E P I XE. This is Apur Praud, and you are watching the lectures of machine design for HPCL, HAL, RVUNL, and some other PSU exams. This is a special series of lecture which I started recently where we are trying to cover the entire syllabus of machine design for these particular PSU exams. HPCL, HAL, RVUNL, ISRO, BAG, DRDO.

प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इन एग्जाम्स के पैटर्न पे बेस्ड होते हैं यानी कि उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है उनकी जो लेंथ होती है वो उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे इस क्वेश्चन इन एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं तो अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन दिस इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मशीन डिजाइन आई हैव टेकन अ सिमिलर लेक्चर सीरीज फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आल्सो So, you can check it out in our YouTube channel, and this is the lecture series of machine design. Okay. So, all the students preparing for HAL, HPCL, RVUNL, and some other PSU exams, watch these lecture series. If you are watching me for the first time, let me quickly introduce myself. My name is aprup Rao, All India Rank 320 in Gate Mechanical in my first attempt. MTech from IIT Kharagpur. and my specialization of MTech was design. In my final year of MTech, I was recruited by Mahindra and Mahindra. So I worked at Mahindra and Mahindra in the field of design for two years. Then I decided to quit my jobs and I've been teaching for more than six years now. And I teach subjects based on design SOM, MD, EM, TOM, vibration. If you want to watch my free lectures and download the notes of those lectures, just open this one link. tinyurl.com/approve10 अगर आप मेरे लेक्चर देखना चाहते हैं और उसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो बस इस एक लिंक को ओपन कर लीजिए जस्ट गो टू एनी वेब ब्राउजर एंड टाइप दिस इन द एड्रेस बार tinyurl.com/approve10 एंटर यू आर गोइंग टू ओपन दिस पेज एंड इस पेज में यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल माय फ्री लेक्चर्स एंड नोट्स ऑफ दी लेक्चर्स आई हैव टेकन फ्री लेक्चर्स ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स मशीन डिजाइन थ्योरी ऑफ मशीन वाइब्रेशन मीन्स ऑल द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन सो यू कैन वॉच ऑल दीज लेक्चर हंड्रेड परसेंट सिलेबस गारंटीड तो ये सारा का सारा लेक्चर जो है आपको इस एक लिंक में मिल जाएगा ओके यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी दिस इज माई अन अकेडमी प्रोफाइल अप्रूव सो जस्ट गो टू अनअकेडमी डॉट कॉम और गो टू अन अकेडमी ऐप एंड सर्च अप्रूव यू आर गोइंग टू फाइंड माई प्रोफाइल फॉलो मी देयर कैन वॉच ऑल माई फ्री स्पेशल क्लासेस इन माई अनअकेडमी प्रोफाइल मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल में आपको मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी आई हैव टेक स्पेशल क्लासेज ऑन समेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओके बट इफ यू वॉन्ट टू ओपन दम यू विल है अन अकेडमी ऐप एंड इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर ऑफ अन अकेडमी ऐप यू विल है अगर आप इन लेक्चर को ओपन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा अप्रूव टेन इफ यू यूज दिस कोड द्लासेस एजुकेटर्स ओनली माइन एवरी एजुकेटर स्पेशल एंड देर इज वन मोर ऑसम थिंग ऑन अकेडमी एप विच इजैडमी कॉम्बैक्ट वॉट इज अनडमी कॉम्बैक्ट इट इज इंडिया लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर गेट इट्स अ combat it's a competition based on the syllabus of gate it takes place every sunday the next combat will be on 2nd of may at 11 am it's a 60 minutes test where you can win some exciting prizes and the registrations are completely free in order to unlock an academy combat again you will have to use this code approve10 now what you can win in this scholarship test if you are getting rank 1 2 3 you are going to get 100% scholarship, means you are going to get an Academy subscription for free. If you are between rank 4 to rank 10, you are going to get 75% off. Rank 11 to 50, 50% 50 off. Rank 51 to 100, 25% off on an Academy subscription. So, I want each one of you to take part in an Academy combat, use uh, on, and the registrations are completely free, okay? एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है सो इफ यू वॉन्ट टू रेगुलरली सी द लिंक्स ऑफ माई क्लासेस अगर आप मेरे क्लासेस की लिंक रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो बस ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए जस्ट गो टू योर टेलीग्राम एप सर्च अप्रूव एंड फॉलो दिस चैनल और यू कैन जस्ट स्कैन दिस कोड यू विल गेट माई टेलीग्राम चैनल ओके एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ स्ट्रक्चर कोर्स फॉर गेट एंड ई एस अगर आप इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हैं देन टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन वेयर यू आर गोइंग टू गेट अ कंप्लीट क्लासरूम एक्सपीरियंस यू विल बी एबल टू टॉक टू योर टीचर्स आस्क ऑल योर डाउट्स यू विल बी एबल टू गेट प्रैक्टिस सेशन असाइनमेंट क्विजेस टेस्ट सीरीज नोट्स एज personal guidance everything that you need for your preparation you are going to get on an academy plus so if you want to take an academy plus subscription you can use this code approve 10 in order to get 10% off and if you use this code you are also going to get my personal guidance so if you like my teaching if you like the way i teach then don't forget to use this code to take an academy plus subscription okay i will be your guide your mentor throughout your subscription

और उसके प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले ओके सो वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज द थ्योरी एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू प्रॉब्लम बट बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू यूर लाइव राइट नाउ प्लीज हिट द लाइक बटन अभी के अभी सारे बच्चे लाइक बटन दबा दें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द लिंक ऑफ दिस क्लास टू ऑल योर फ्रेंड्स सारे बच्चों को ये लिंक शेयर कर दीजिए मैं देख रहा हूं कि अटेंडेंस बहुत कम हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा मेरे भाई तो फिर ये लेक्चर्स डिस्कंटिन्यू करने पड़ जाएंगे एंड आई डोंट वांट टू डिसकंटिन्यू दीज लेक्चर्स सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू शेयर द लिंक ऑफ दिस क्लास एज मच एज पॉसिबल जितना भी हो सके प्लीज शेयर कीजिए गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मनीष अनमोल सुरेश मोहित वेलकम एवरी चलिए सो लेट्स विद द थ्योरी ओके सो वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज थ्योरी ऑफ रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉल्विंग प्रॉब्लम ठीक है So, first of all, what is bearing? Bearings are some special type of supports provided to rolling elements like shafts. And these have two functions. Though particular function bearing ke, to support the load acting on the shaft and to permit the rotation of shaft with minimum friction. These are the two functions, basic functions of bearings. Now the load acting on the bearing can be categorized into रेडियल लोड और एक्सियल लोड इफ द लोड इज एक्टिंग अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट इट इज एक्सियल लोड एंड इफ द लोड इज एक्टिंग नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट इट इज रेडियल लोड वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज दीज टू नेम्स आर यूज फ्रीक्वेंटली इन द चैप्टर ऑफ बियरिंग एक्सियल लोड रेडियल लोड थ्रस्ट लोड रेडियल लोड ऐसा बार बार यूज होता है तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वट इज रेडियल लोड And what is axial load? Okay. Now, there are two types of bearings rolling contact bearings and sliding contact bearings. In rolling contact bearing, the motion between journal and bearing, the motion between the shaft and bearing surface is rolling motion, and in sliding contact bearings, it is sliding motion. This is rolling motion, and this is sliding motion. So, these are the two types of motion, and based on these motions, there are two types of bearing rolling contact and sliding contact, right? Now, what are rolling contact bearings? In case of rolling contact bearing, the motion between the shaft and bearing is rolling motion. Now, due to rolling motion, the friction is very low. In fact, at the start of the motion, the friction is negligible, hence, they are also known as. एंटी फ्रिक्शन बियरिंग इतना कम फ्रिक्शन होता है कि इसको हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं बट दे आर मोर नॉइजी एट हाई 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 स्पीड स्पीड पे ज्यादा करते हैं एंड देयर इनिशियल कॉस्ट इज वेरी ओके सो आर सम इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ओके नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ओके फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन सो बियरिंग में देर आर टू मेजर पार्ट्स दिस इज नोन एज आउटर रेस विच इज द आउटर रिंग ऑफ द बियरिंग एंड दिस इज नोन एज इनर रेस विच इज द इनर रिंग आउटर रेस इज कनेट एंड इनर रेस इज कने बिटवीन आउटर रेस एंड इनर रेस देर आर रोलिंग एलिमेंट्स दीज आर रोलिंग एलिमेंट्स जो कि रोल होते हैं एंड दीज रोलिंग एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टूगेदर बाई मीन ऑफ दिस केज so this is the exploded view of the bearing you can understand each and every member okay so outer race inner race cage and sorry this is the cage and this is these are the rolling elements okay now there are two types of rolling contact bearing ball bearing and roller bearing in case of ball bearing there are spherical balls between the inner and outer race and in case of roller bearing there are rollers cylindrical shaped rollers

and ratio of radial and axial load is greater than 1 okay then angular contact ball bearing angular contact ball bearing can also support fr as well as fa but here fr by fa is less than 1 self aligning ball bearing now self aligning ball bearing can align themselves according to the misalignment of shaft other shaft misalign misaligned थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है तो ये जो बियरिंग है इसका इनर रेस भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द बियरिंग यू कैन अंडरस्टैंड राइट बाय दिस इमेज यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग वर्क देन थ्रस्ट बॉल बियरिंग नाउ थ्रस्ट बॉल बियरिंग्स आर स्पेशल टाइप ऑफ बॉल बियरिंग्स विच कैन ओनली सपोर्ट एक्सियल लोड नो एफ आर दे कैन नॉट सपोर्ट रेडियल लोड दे कैन ओनली सपोर्ट

एज वेल एज एक्सीएल लोड स्वेरिकल रोलर बियरिंग दे आर सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग जैसे सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग होता है वैसे ही स्वेरिकल रोलर बियरिंग आर आल्सो सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग एंड देन निडल बियरिंग नाउ निडल बियरिंग्स आर यूज्ड व्हेन द साइज द डिस्टेंस बिटवीन इनर रेस एंड आउटर रेस इज वेरी लो ठीक है अगर बहुत छोटी जगह बची हुई है शाफ्ट और बियरिंग सर्फेस के बीच में देन वी कैन यूज नीडल बियरिंग सो दे आर ऑफ स्मॉल साइज एंड दे कैन सपोर्ट ऑसिलेटिंग लोड एंड दे कैन ओनली सपोर्ट रेडियल लोड दीज आर लाइक सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग ओनली बट ऑफ स्मॉल साइज सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग की तरह ही होते हैं लेकिन साइज स्मॉल होता है तो ये सिर्फ एफ आर सस्टेन कर सकते हैं एफ ए सस्टेन नहीं कर सकते एंड कैन सपोर्ट ऑसिलेटिंग लोड ऑल्सो ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ओके नाउ स्टैटिक लोड कैरिंग कैपैसिटी वॉट इज स्टैटिक लोड कैरिंग कैपैसिटी स्टैटिक लोड मीन द लोड एक्टिंग ऑन द बियरिंग वेन द शाफ्ट इज नॉट मूविंग स्टैटिक लोड यानी कि वेट अगर शाफ्ट मूव नहीं भी कर रहा है तो वेट तो लगेगा सो दट इज द स्टैटिक लोड ओके सो हाउ मच स्टैटिक लोड द बियरिंग कैन कैरी ट इज नोन एज स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी इट इज डिनोटेड बाई सी नॉट इसको हम सी नॉट से डिनोट करते हैं एंड इट इज गिवन बाय के डी स्क्न बाई फाइव ओके ये इक्वेशन ध्यान में रखना इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है के इज अ कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन मटीरियल डी इज डायामीटर ऑफ बॉल्स

तो बेटा लाइफ ऑफ बियरिंग का मतलब ये कितने बार घूमेगा फेल होने से पहले इट इज डिनोटेड इन मिलियन रेवोल्यूशन मिलियन रेवोल्यूशन मतलब वन मिलियन रेवोल्यूशन मीन्स टेन टू दावर सिक्स रेवल्यूशन राइट नाउ इट इज ऑल्सो समाइम्स रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्स कई बार ये आर्स में भी दिया रहता है और आरपीएम में दिया रहता है

फाइव टाइम्स ऑफ रेटेड लाइफ ये रिलेशन याद रखना बिकॉज समटाइम्स इट इज यूज इन न्यूमेरिकल्स कई बार न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है सो एल फिफ्टी इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ एल टेन ओके देन लोड लाइफ रिलेशन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिकॉज देर विल बी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस रिलेशन सो वॉट इज लोड लाइफ रिलेशन इट इज अ रिलेशन बिटवीन द लोड एक्टिंग ऑन द बियरिंग एंड द लाइफ ऑफ बियरिंग

जो तीन होता है बॉल बियरिंग के लिए टेन बाई थ्री होता है रोलर बियरिंग के लिए नाउ एल टेन इज द रेटेड लाइफ पी इज द इक्विवेलेंट लोड एंड व्हाट इज सी सी इज नोन एज डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी नाउ दिस इज लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ बियरिंग बियरिंग्स के लिए

लार्जेस्ट बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसके एफ दुनिया की सबसे बड़ी बियरिंग बनाने वाली कंपनी है जिसका अपना एक डेजिग्नेशन सिस्टम है इट हैज इट्स ओन डेजिग्नेशन सिस्टम सो इट यूजेस फोर डिजिट्स, ओके ये चार डिजिट्स यूज करता है फॉर एग्जांपल सिक्स थ्री जीरो फाइव ओके सो दिस इज बियरिंग डेजिग्नेशन अब इसमें हर एक डिजिट का क्या मतलब होता है So the first डिजिट tells you the type of bearing ठीक है फॉर एग्जाम्पल सिक्स मीन्स डीप ग्रू बॉल बियरिंग ठीक है एक एग्जाम्पल के लिए सिक्स मतलब होता है डीप ग्रू बॉल बियरिंग ओके सो जो फर्स्ट डिजिट होता है वह आपको बताता है कि बियरिंग कौन से टाइप की है वेदर इट इज अ डीप ग्रूव बॉल बियरिंग और सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग और टेपर्ड रोलर बियरिंग और सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग विच टाइप ऑफ बॉल बियरिंग इट इज ओके सॉरी विच टाइप ऑफ बियरिंग इट इज सेकेंड इज इट टेल्स यू द साइज ऑफ बियरिंग अब साइज का मतलब क्या है साइज मीन्स विथ एंड हाइट तो हमने क्या किया है वी हैव डिवाइडेड डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स इन टू फाइव कैटेगरीज जीरो वन सॉरी वन टू सॉरी सिक्स कैटेगरी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ओके तो सेकेंड डिजिट जो है वो आपको बताएगा कि वॉट इज द साइज ओवरऑल साइज क्या है वॉट इज द विथ एंड वॉट इज द हाइट ऑफ द बेरिंग ओके एंड लास्ट टू डिजिट विल टेल यू द दायामीटर ऑफ इनर रेस इनर रेस का डायामीटर इज गिवन बाय दीज टू डिजिट्स लास्ट टू डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव द डायामीटर ऑफ इनर रेस ठीक है तो so, ये लास्ट टू डिजिट्स को अगर आप फाइव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा डायामीटर ऑफ इनर रेस इनर रेस का आपको डायामीटर मिल जाएगा ओके सो दीज आर द फोर डिजिट्स विच टेल्स यू द बियरिंग डेजिग्नेशन दीज आर यूज टू डिनोट द बियरिंग ओके नेक्स्ट इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग ड्यू टू स्लाइडिंग मोशन फ्रिक्शन इज वेरी हाई कंपेयर टू रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग यहां पर फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है दैट्स वाई लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड तो इस केस में लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है okay? Now, sliding contact bearings are of two types radial bearing and thrust bearing. Radial bearings means they can only support radial load, and thrust bearings means they can only support axial load. Radial bearings are divided into full journal and partial journal, and thrust bearings are divided into pivot and collar. Then, pivot is divided into flat and conical. एंड कॉलर बियरिंग सिंगल कॉलर एंड मल्टी कॉलर अब एक एक करके डायग्राम से समझते हैं ओके सो फुल जर्नल बियरिंग मीन्स यू कैन अप्लाई रेडियल लोड फ्रॉम एनी डायरेक्शन यहां पर रेडियल लोड जो है वो किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई किया जा सकता है दैट्स वाई इट इज नोन एज फुल जर्नल पार्शल जर्नल मीन्स कैन अप्लाई रेडियल लोड ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में रेडियल लोड अप्लाई कर सकते हैं इट कैन सपोर्ट रेडियल लोड ओनली इन वन डायरेक्शन पीवोट बियरिंग मीन्स द एंड ऑफ द बियरिंग सॉरी एंड ऑफ द शाफ्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द बियरिंग आप यहां पर देख सकते हो शाफ्ट जो है उसका एंड सीधे बियरिंग के कॉन्टैक्ट में नाउ इफ दिस एंड इज फ्लैट इट इज नोन एज फ्लैट पीवोट एंड इफ द एंड इज कॉनिकल

कॉलर इज अटैच ऑन द शाफ्ट एंड द कॉलर इज इन कॉन्टैक्ट विदरिंग मतलब मान लो मैंने शाफ के ऊपर ऐसा एक कॉलर लगा दिया और कॉलर बियरिंग के कॉन्टैक्ट में शाफ कॉन्टैक्ट में नहीं है सीधे कॉलर बियरिंग के कॉन्टेक्ट मेंियरिंग इफ देर इज ओनली वन कॉलर इट इज अगल कॉलर बियरिंग एंड इफ देर आर मोर देन वन कॉलर इट इज अ मल्टी कॉलर बियरिंग ओके देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन ऑल्सो देर इज थिन लुब्रिकेशन There is thick lubrication. Thin lubrication means a very thin film of oil between shaft and bearing. And thick lubrication means a thick film of oil between shaft and bearing. Then, thick lubrication is divided into hydrodynamic and hydrostatic. Hydrodynamic means the lubrication is done due to the motion of the bearing, sorry, motion of the shaft. जो लुब्रिकेशन होता है वो शाफ्ट के मोशन की वजह से होता है ओके एंड हाइड्रोस्टैटिक मींस द लुब्रिकेशन इज डन बाय एक्सटर्नल सोर्स यहां पे लुब्रिकेशन जो होता है वो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होता है ओके सो हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग पेट्रोफ्स इक्वेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इट इज द इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की इक्वेशन होती है mu equals to 2 pi square Zn by P R by C, where mu is the coefficient of friction, Z is the dynamic viscosity of oil, N is the rotation per second of shaft, P is the bearing pressure, R is the radius of journal, and C is the radial clearance. So, this is the equation of coefficient of friction also known as Petrov's equation. Mu equals to 2 pi square Zn by P R by C. Then Sommerfeld number. Now, Sommerfeld number is given by S equals to Zn by P R by C Whole square. This is the Sommerfeld numbers. So you can see that Petrov equation and Sommerfeld number are almost similar. What similarity in Okay. Then Mackey's investigation. Mackey's investigation is a graph drawn between coefficient of friction and bearing characteristic number. This is known as bearing characteristic number. The graph is plotted like this. From here to here, there is thin film lubrication, and from here to here, there is thick film lubrication. This is the point where the coefficient of friction is minimum. At this point, whatever bearing characteristic number we get.

फॉर टू थाउजेंड से सॉल्व दिस यस डिप्लोमा वाले भी देख सकते हैं अगर सिलेबस आप लोगों का सेम है तो आप लोग भी देख सकते हैं क्यों नहीं सॉल्व दिस यू हैव अ रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि सी इज गिवन ट्वेंटी टू किलो न्यूटन एंड The number life is given in number of hours and revolution. Okay, so you have to simply apply this formula. L10 equals to C by P to the power n. Now, here L10 hoga, that will be the life in million revolution. Life always in million revolution. Okay, so, beta, here we have life in hours and revolution. So, how you are going to convert it in million revolution? number of r's multiplied by rpm multiplied by 60 this will give me number of revolution but i have to convert it in million revolution so i will multiply 10 to the power minus 6 equals to c which is dynamic load carrying capacity divided by p to the power n now first digit is 6 दिस इज अ बॉल बियरिंग ठीक है यह एक बॉल बियरिंग है सो एन विल बी इक्वल्स टू थ्री तो यहां से यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ पी सो टेल मी वट विल बी द वैल्यू ऑफ पी क्विकली जल्दी बताएं आर यू गेटिंग फाइव पॉइंट टू एट एट किलो न्यूटन आई एम गेटिंग फाइव पॉइंट टू एट एट किलोम्यूटन मीन्स फाइव पॉइंट टू नाइन किलो न्यूटन ऑलमोस्ट यस वेरी गुड सुरेश द आंसर विल बी डी यस आंसर डी आ रहा है

स स्टार्टिंग फ्रिक्शन लो देखो हाइड्रोडमिक लुब्रिकेशन में वी हैव सीन दैट इनिशियली वेन द स्पीड इज लो इनिशियली द फ्रिक्शन एज द स्पीड विल इंक्रीज फ्रिक्शन विल डिक्रीज एंड देन अगेन फ्रिक्शन विल इंक्रीज बट स्टार्टिंग में फ्रिक्शन विल भी हाई सो हाइड्रो डायनेमिक लुब्रिकेशन तो हो नहीं सकता ओके मिक्स लुब्रिकेशन और बाउंड्री लुब्रिकेशन भी नहीं हो सकता बाउंड्री लुब्रिकेशन मीन देर इज बाउंड्री लुब्रिकेशन मीन्स ऑलमोस्ट नो लुब्रिकेटिंग ऑयल ठीक है बाउंड्री लुब्रिकेशन का मतलब ऑलमोस्ट नो लुब्रिकेटिंग ऑयल तो बेटा द करेक्ट आंसर विल भी हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन में शुरू से ही लुब्रिकेशन होता है सो इन दैट केस देर विल बी वेरी लो फ्रिक्शन एट द स्टार्ट सो आंसर विल बी हाइड्रोस्टैटिक ठीक है

because the lubricating oil is provided by external source hydrodynamic lubrication may lubrication is done by speed of shaft so until and unless you achieve a high speed there will be no lubrication okay i hope the answer is clear to everyone very good let's move on to the next question a ball bearing operating at a load f has 8000 hours of life life of bearing वेन द लोड इज डबल्ड टू टू एफ एक्स अगर मैं लोड को डबल कर दू तो लाइफ पे क्या असर पड़ेगा टेल मी वॉट विल बी द आंसर मेरे भाई अंकुर ऐसे तो सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से हो जाता है तो आपको जोड़ना घटाना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सब सीखने की क्या जरूरत है मेरे भाई आप एक चीज भूल जाते हो कि सॉफ्टवेयर के पीछे जो कोडिंग होती है ना वो सारे इन्हीं इक्वेशंस पे बेस्ड होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज की डेट में अगर इंजीनियर बन गए आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है आप सीधे जाके सॉफ्टवेयर में बैठोगे बटन दबाओगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोडिंग बिहाइंड इट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट देन हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन अ बॉडी अगर आप जिंदगी में कभी भी आर आरएनडी सेंटर में जाके काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भले सारा काम सॉफ्टवेयर से होता है लेकिन उसके पीछे का लॉजिक पता होना जरूरी है तभी आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे तभी आप उस सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाओगे ठीक है तो मेरे भाई आज की डेट में कैलकुलेटर्स हैं जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है ठीक है जिन लोगों ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उन लोगों को ये सारे इक्वेशन पता होने जरूरी थे ना वरना कहां से वो सीखते और उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले को भी ये सब कुछ आना चाहिए वरना सिर्फ बटन दबा के अगर काम हो जाता तो फिर इंजीनियरिंग करने की जरूरत ही क्या थी ठीक है अगर आपको सारा काम कर सारा काम जो है सॉफ्टवेयर से ही करवा लेना है तो इंजीनियरिंग की जरूरत क्या है आज की डेट में ऑटो कैड है तो इसका मतलब यह नहीं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ोगे तो ऑटो कैड को यूज करना ही नहीं आएगा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वट इज हैपनिंग इन ऑटो कैड तो ऑटो कैड यूज करने के लिए भी मेरे भाई इंजीनियरिंग ड्राॅइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है ठीक है तो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए भी आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेटर चलाना है ना तो बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है भले काम सारा कैलकुलेटर करके दे देगा बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैथमेटिक्स देन ओनली यू विल बी एबल टू वर्क ऑन द कैलकुलेटर ठीक है तो बेटा ये सारा सिलेबस जो है ना बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत हाईली एजुकेटेड एंड हाईली एक्सपीरियंस लोग जो है वो डिसाइड करते हैं ये सिलेबस क्या होना चाहिए तो आप घर पे बैठ के खुद की इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुई है उसके बाद इस तरीके के कमेंट्स मत करो दैट द सिलेबस इज वेरी आउटडेटेड तो आप क्या क्या चाहते हो आपको आपको सिलेबस में क्या पढ़ाया जाए 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 पहले दिन ही सॉफ्टवेयर पढ़ा दिया दिया और उसके बाद बोल बस विद इन वन ईयर यू हैव ग्रेजुएटेड नाउ यू आर एन इंजीनियर ऐसा चाह रहे हो अगर आप तो बेटा वो पॉसिबल नहीं होता यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट देन ओनली यू विल बी कॉल्ड अ मैकेनिकल इंजीनियर ओके ऐसा नहीं है कि मेरे को तो पावर प्लांट में काम करना है देन वाई डू आई नीड टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग आई विल जस्ट स्टडी थर्मोडाइनिक्स एंड आई विल बिकम अ पावर प्लांट इंजीनियर दैट हैपन ओके यू हैव टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग देन ओनली यू विल बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर ठीक है तो ये सारा सिलेबस बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है तो आप ऐसे बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के ऐसे कमेंट्स मत करो ठीक है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग का सिलेबस कैसा होना चाहिए मतलब कम ऑन यार गिव मी अ ब्रेक ओके चलिए सो इक्वल्स टू सी पी होल्ड टू पावर इट इज अ बॉल बियरिंग सो थ्री सो लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लोड सो इफ द लोड इज डबल्ड लाइफ विल बिकम वन बाई एट टाइम्स

रेडियल लोड पी एंड यू नीड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड लाइफ इन मिलियन रेवल्यूशन टेल मी वट विट द आंसर सिंपल है सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है एल टेन इक्वल टू सी बाई पी होल्ड टू दावर एन सो दिस विल बिकम थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव होल्ड टू दावर थ्री सो वट इज द आंसर क्या आ रहा है आर यू गेटिंग पॉइंट फोर सेवन आर यू गेटिंग पॉइंट फोर सेवन मिलियन रेवल्यूशन क्या बात है कोई आंसर नहीं Yes, very good, Chetan. The answer will be below 0.5, right? Very good, Sayali. Very good, Suresh. The answer will be A, below 0.5. Very good, Manish. Very good, Suresh. Very good, Chali. So let's move on to the next question. च ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग नीडल बियरिंग टेपर्ड रोलर बियरिंग स्फेरिकल रोलर बियरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग आउट ऑफ दीज फोर बियरिंग विच इज सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग सॉरी सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग इनमें से कौन सा सेल्फ अलाइनिंग बियर है बियरिंग है नीडल बियरिंग टेपर्ड रोलर बियरिंग स्पेरिकल रोलर बियरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग द आंसर इज स्पेरिकल रोलर बियरिंग यस आई हैव शोन यू स्पेरिकल रोलर बियरिंग का मैंने डायग्राम दिखाया था दिस इज स्पेरिकल रोलर बियरिंग कैन यू सी इट हैज सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टी जस्ट लाइक सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग राइट सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग की तरह यह भी जो है अंदर बाहर देखो बाकी के बियरिंग में इनर रेस फिक्स होता है कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू आउटर रेस इनर रेस इज फिक्स बट हियर इनर रेस कैन मूव एंड अलाइन इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट ठीक है सो स्फेरिकल रोलर बियरिंग इज अ सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन थ्री बॉल बियरिंग आइडेंटिफाइड एस SKF एफ टू जीरो वन फाइव थ्री वन वन फाइव एंड फोर टू वन फाइव बोर इज कॉमन विथ इज इंक्रीजिंग आउटर डायमीटर इज कॉमन बोर इज इंक्रीजिंग विथ इज कॉमन आउटर डायमीटर इज डिक्रीजिंग बोर इज कॉमन आउटर डायमीटर इज डिक्रीजिंग लेफ्ट से राइट अगर मैं आऊंगा तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? अभी हमने डिस्कस किया एसके एफ बियरिंग डेजिग्नेशन राइट सो व्हाट इज हैपनिंग अंडरस्टैंड फर्स्ट डिजिट जो है दैट इज गोइंग टू टेल मी द टाइप ऑफ बियरिंग सो द टाइप ऑफ बियरिंग इन ऑल थ्री बियरिंग इज डिफरेंट ये अलग टाइप का बियरिंग है ये अलग टाइप का ये अलग टाइप का बट दैट मैटर लीव इट लुक एट द सेकेंड डिजिट जीरो वन टू सो वट इज हैपनिंग साइज इज इंक्रीजिंग जीरो वन टू जैसे जैसे जीरो वन टू जाओगे साइज विल बी इंक्रीजिंग बट लास्ट टू डिजिट इज कॉमन मतलब कि इनर डायमीटर कॉमन होगा तो देखो कुछ ऐसा हो रहा होगा ओके अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस माइट बी हैपनिंग अंडरस्टैंड इन ऑल थ्री केसेस द इनर डायामीटर इज सेम कैन यू सी इन ऑल थ्री केसेस द इनर डायमीटर इज सेम तीनों केसेस में इनर डायामीटर सेम है दिस इज टू जीरो वन फाइव दिस इज थ्री वन वन फाइव एंड दिस इज फोर टू वन फाइव ठीक है बट विट तेन हाइट इज डिफरेंट

बियरिंग गिवन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ थ्रस्ट लोड इनमें से कौन सी बियरिंग थ्रस्ट लोड यानी एक्सियल लोड सस्टेन नहीं कर सकती विच ऑफ द बियरिंग कैन नॉट सस्टेन थ्रस्ट लोड और एक्सील लोड थ्रस्ट लोड यानी कि एक्सीयल लोड डीप ग्रू बॉल बियरिंग एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग और सिंगल रोड टेपर्ड रोलर बियरिंग टेलमी वॉट विल बी द आंसर The answer will be cylindrical roller bearing. Cylindrical roller bearing cannot sustain X cannot sustain axial load. It can only sustain radial load. Very good suresh, very good Sayali. Other bearings, deep groove, angular contact and tapered bearing, these three can sustain radial as well as axial load. But cylindrical roller bearing cannot sustain axial load. यस वेरी गुड प्रशांत वेरी गुड भारद्वाज वेरी गुड चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच बियरिंग इज प्रिफर्ड फॉर ऑसिलेटिंग कंडीशन इनमें से कौन सी बियरिंग ऑसिलोलेटिंग लोड के लिए आप यूज कर सकते हो विच बियरिंग कैन सस्टेन ऑसिलेटिंग लोड डबल रो रोलर बियरिंग एंगुलर कॉन्टेक्ट सिंगल रो बॉल बियरिंग टेपर रोलर बियरिंग और नीडल रोलर बियरिंग ऑसिलेटिंग कंडीशन अगर है तो कौन सी बियरिंग प्रेफर करोगे आप आंसर विल बी नीडल रोलर बियरिंग नीडल बियरिंग कैन सस्टेन ऑसिलेटिंग लोड्स ठीक है प्रेफर करते हैं वेरी गुड चेतन वेरी गुड सुरेश नीडल बियरिंग विल बी द आंसर वेरी गुड मनीष वेरी गुड भारद्वाज वेरी गुड वेरी गुड चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज द बेसिक स्टैटिक कैपेसिटी ऑफ बॉल बियरिंग डिपेंड ऑन वॉट डस किसके ऊपर बेसिक स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉल एंड डायमीटर ऑफ बॉल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू नंबर आंसर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी Kd square n by 5. Okay. This is the equation of static load carrying capacity. So, it is directly proportional to square of diameter and number of balls. Okay. So, this will be the answer directly proportional to number of balls and square of diameter. C will be the answer directly proportional to number of balls and square of diameter. Very good, Suresh. C will be the answer. Chali, let's move on to the next question. Increase in a value of which of the following result in increase in coefficient of friction? Viscosity of oil, clearance, shaft speed. You need to remember the equation of coefficient of friction which is petrov's equation petrov equation is equation of coefficient of friction remember mu equals to 2 pi square z n by p r by c this is the equation of coefficient of friction so this equation may if I increase the viscosity, will mu increase? Yes. So this is true. Right? Then if I increase the clearance, mu will increase? No. If I increase the clearance, mu will decrease. So this is wrong. If I increase the speed, mu will increase? Yes. So the answer will be 1 and 3. B will be the answer. Very good, very good, Sayali, Brijesh, Suresh, Manish. Very good. The answer will be B, 1 and 3. So you need to remember this formula 2 pi square Zn by P R by C. Let's move on to the next question. Question number 11. In sliding contact bearing, a positive pressure can be built and load supported by fluid only by the use of diverging film. Converging, diverging film, converging film or flat film? Tell me which one of these are going to build positive pressure. Diverging film, converging, diverging film, converging film or flat film. In order to understand this, you need to understand the diagram of hydrodynamic journal bearing. दिस डायग्राम लुक एट दिस डायग्राम इस डायग्राम को देखो सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज क्लॉकवाइज द प्रेशर विल बी बिल्ड इन द कन्वर्जिंग फिल्म यानी कि इस एरिया में प्रेशर बिल्ड होता है कुछ इस तरीके से कैन यू सी सो दिस इज द कन्वर्जिंग एरिया राइट यहां पे एरिया कन्वर्ज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आप उल्टा आके ये मत बोलना कि सर डाइवर्ज भी तो हो रहा है उल्टा जाएंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट इज रोटेटिंग क्लॉक वाइज राइट सो इफ आई मूव क्लॉक एरिया सो इन कन्वर्जिंग एरिया विल बी प्रेशर इन डाइवर्जिंग एरिया देर नो प्रेशर तो प्रेशर बिल्ड किस डायरेक्शन में होता है कन्वर्जिंग डायरेक्शन में ओके तो एक वेज बनेगा तो वेज में कन्वर्ज अगर हो रहा है इफ इट इज कन्वर्जिंग देन प्रेशर विल बी बिल्ड ओके द आंसर विल बी वॉट कहा गया द आंसर विल बी कन्वर्जिंग फिल्म ओके यस चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग ये हो चुका है ऑलरेडी स्पेरिकल रोलर बियरिंग यस नेक्स्ट इज A full journal bearing having clearance to radius ratio of one by hundred using lubricant with z equals to twenty eight into ten to the power minus three pascal second supports the shaft journal running at twenty four hundred rpm. If bearing pressure is one point four mega pascal, the Sommerfeld number is. So you need to remember the formula of Sommerfeld number. आपको Sommerfeld number the formula ya Sommerfeld number so what is the formula of sommerfeld number z s equals to zn by p r by c whole square this is the formula of sommerfeld number now in this formula i have the value of z 28 into 10 to the power minus 3 I have the value of n, but it is rotation per second. That's why it is written ns. This is rotation per minute. So nS will be equals to 2400 by 60 yane ki 40 rotation per second. okay you have to convert it into rotation per second. So this will be 40 divided by pressure. Now we understand this is in Pascal and this is in mega Pascal.

What you are going to get? Is it 8 into 10 to the power minus 3? Are you getting 8 into 10 to the power minus 3? Very good, Chetan. Very good.

बोर डायमीटर ऑफ बियरिंग इज अब इसका आंसर तो फटाक से देना चाहिए टेल मी व्हाट विल बी द आंसर अ बियरिंग इज डेजिग्नेटेड एज सिक्स थ्री वन फाइव हेलो द ऑडियो बैक अभी ठीक है वी आर लाइव अगेन अभी ऑडियो आ रहा है यस वेरी गुड चलिए ओके next question question number 15 when the lubrication is lubricating oil is forced between the journal and bearing by external pressure the bearing is known as is it okay now okay shall it. टिंग ऑइल इज फोर्स बिटवीन जर्नल एंड बियरिंग बाई एक्सटर्नल प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर से ऑइल को फोर्स कर रहे हैं देन द बियरिंग इज नोन एस विच टाइप ऑफ बियरिंग जीरो फिल्म बाउंड्री लुब्रिकेशन बियरिंग हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक यस इट विल बी हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग मीन्स इट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ जर्नल नॉट एक्सटर्नल सोर्स बाउंड्री लुब्रिकेशन मीन्स थिन फिल्म लुब्रिकेशन थिन फिल्म लुब्रिकेशन को ही बाउंड्री लुब्रिकेशन भी मिलते हैं एंड जीरो फिल्म लुब्रिकेशन मीन्स मीन्सर इज नो लुब्रिकेशन जीरो फिल्म मीन्स नो लुब्रिकेशन ओके जीरो फिल्म लुब्रिकेशन मतलब कि नो लुब्रिकेशन एट ऑल ठीक है बिल्कुल लुब्रिकेशन की जरूरत ही नहीं होती ओके चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सीन फ्रॉम द कर्व दैट देर इज a minimum value of coefficient of friction for a particular value of bearing characteristic number what is the value of bearing characteristic number called you might remember mackey's investigation curve right mackey's investigation curve may we get मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर सो वट इज दैट बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कॉल्ड उसको हम क्या बोलते हैं इज इट कॉल्ड मैकी नंबर रेनॉल्ड नंबर बियरिंग मॉड्यूलस और सोमरफेल्ड नंबर द वैल्यू ऑफ बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एट विच फिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज मिनिमम, यस वेरी गुड भारद्वाज वेरी गुड सियाली इट इज कॉल्ड बियरिंग मॉड्यूलस आई हैव शोन यू कर्व, राइट आपको मैंने मैकीज़ इन्वेस्टिगेशन कर्व दिखाया है सो हियर दिस इज नोन एज बियरिंग मॉड्यूलस जिस पॉइंट पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम होता है एट दैट पॉइंट बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इज कॉल्ड बियरिंग मॉड्युलर सेफ डिजाइन बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन दिस ठीक है सेफ डिजाइन में बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर को थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है मॉड बियरिंग मॉड्यूल से ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच बियरिंग इज प्रेफर्ड फॉर ऑसिलेटिंग कंडीशन अच्छा ये भी हो चुका है राइट नीडल रोलर बियरिंग तो थोड़ा रिपीट हो गए एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए ओके सो आई होप दैट नाउ

हम लोग क्या करेंगे वी विल हैव द क्वेश्चन फ्रॉम क्लच कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ क्लच ठीक है नाउ क्लच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मशीन डिजाइन मशीन डिजाइन से क्लच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो कल हम लोग क्लच के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे वी विल रिवाइज द थ्योरी ऑफ क्लच क्विकली एंड देन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम ओके सो इफ यू वॉन्ट टू सी द फुल कोर्सेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मशीन डिजाइन थ्योरी ऑफ मशीन स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल फुल कोर्स देन यू कैन जस्ट वॉच दिस जस्ट ओपन दिस टाइनील डॉट कॉम स्लैश अप्रूव टेन अगर आपको फुल कोर्स चाहिए मशीन डिजाइन का सॉम का ई एम का टॉम का तो बस आप ये ओपन कर लीजिए टाइनी ओर एल डॉट कॉम स्लैश अप्रूव टेन एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट द लिंक्स ऑफ माई अपकमिंग क्लासेस जस्ट फॉलो माइ पर्सनल टेलीग्राम चैनल अप्रूव टेन आप ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए आपको सारे क्लासेस की लिंक रेगुलरली मिलती रहेगी okay? इंडिया के टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं देन टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अब आप बोलोगे अन अकेडमी प्लस पे क्यों आना वन एवरीथिंग ऑन यूट्यूब इज फ्री सो इफ यू जस्ट नीड लेक्चर देन बेटा Every lecture will be free on YouTube. Okay, you will have 100% free lectures on YouTube, but there is not only YouTube lectures. Sir lectures, there are a lot of things which you need for a complete preparation. You need online test series, assignment problems, question bank, doubt clearing sessions, guidance, notes. You need Live polling and leaderboard. So there are a lot of things which are possible on Unacademy Plus, which are not possible on YouTube. For example, you can see that this is a quiz. This is a live quiz on Unacademy. Every objective question becomes a live quiz quiz on an academy where you can answer A, B, C, D, and after the quiz, you will get your rank also. So these quizzes are going to improve your time management and they are also going to build a competitive environment in class then there are dedicated doubt solving classes you can send your doubts in the live class in the form of image this facility cannot be available on youtube but this is available on unacademy you can send your doubts so it will be like interacting with the teacher you can imagine that the teacher is in front of you you can ask anything you want okay and then there are multiple teachers and multiple batches मल्टीपल बैचेस में मल्टीपल टीचर्स से आप पढ़ सकते हो एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हैं आपको जिससे कंफर्टेबल लगता है आप उससे पढ़ सकते हो सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अन अकेडमी प्लस सो टेक वन ईयर वन एंड हाफ इयर और टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी यू कैन यूज दिस कोड अप्रूव टेन ऑर्डर टू गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन यू कैन पे दिस फी इन ई एम आई ऑल्सो आप इसको ई एम आई में भी पे कर सकते हैं ओके एंड दिस कोड इज नॉट जस्ट फॉर टेन परसेंट ऑफ इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट अंडर माई पर्सनल गाइडेंस अंडर माई मेंटरशिप अगर आप ये कोड यूज कर रहे हैं तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी यू कैन टेक अन अकेडमी आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो फॉर वन ईयर एंड टू ईयर वेर यू आर गोइंग टू गेट अ पर्सनल कोच आपको अगर एक पर्सनल कोच चाहिए तो आप वन ईयर या टू ईयर का अन अकेडमी आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट अबाउटमी और इफ यू टू नो मोर अबाउट द न्यू बैचेस और इफ यू टू टू टॉक मी अबाउट योर प्रिपरेशन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी ऑन एनअमी ऐप ऑल्सो आप मुझे अन सकते हैं ओके ना बिफोर लीविंग डोंट फॉर्गेट टू हिट द लाइक बटन शेयर द लिंक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन, बाय बाय टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग